नमस्कार, मैं हूं ब्रह्मदत्त दुबे और आप देख रहे हैं सागर एक्सप्रेस न्यूज का खास कार्यक्रम। किसकी जमेगी चौपाल और कौन जाएगा भोपाल। राजनीति के रंगमंच में अजीब अजीब खेल होते हैं, अगर तजुर्बों से काम लिया जाए तो बात बन भी जाती है। हम बात करेंगे रेहली विधानसभा की, जहां 1985 से जिस माटी, जो गड़ाकोटा की माटी है, वो अपने माटी के सपूत पंडित गोपाल कृष्ण भार्गव की 7 दफा से रक्षा कर रहा है। उन्हें वो 7 बार विधायक बना चुकी है वो माटी, और 3 बार मंत्री बना चुकी है। लेकिन कांग्रेस ने इस दफा उसी माटी से दाव खेला है और उसी माटी के सपूत कमलेश साहू पर अपना दाव लगाया है। कितना कारगर होगा ये दाव, यह तो वक्त रहते पता चलेगा। लेकिन इतना जरूर कहा जा रहा है कि माटी से माटी की जंग भीषण होने वाली है। तो देखिए खास खबर सागर एक्सप्रेस न्यूज पर। रेहली विधानसभा में एक पीढ़ी गुजर गई, उस पीढ़ी ने एक ही नेता और एक ही निशान पर अपना मोहर लगाया है। इस विधानसभा की तासीर कहती है कि कमल निशान के उम्मीदवार और मध्य प्रदेश शासन में 3 बार के मंत्री गोपाल कृष्ण भार्गव की जीत की स्क्रिप्ट गड़ाकोटा में लिखी जाती है। इस दफा कांग्रेस ने गड़ाकोटा की मिट्टी का अंदाज जानकर इसी मिट्टी में जने कमलेश साहू पर अपना दाव खेला है। कमलेश साहू ने आज अपना नामांकन जमा कर कहा है कि जनता तैयार है, इस बार प्रदेश में सबसे बड़ा पलटवार होगा। वो बोले हैं कि कांग्रेस हमारे साथ है, कांग्रेस के रैली विधानसभा के सभी नेता हमारे साथ हैं। 7 लाख से होगी जीत के भाजपा के नारे को कमलेश ने असंभव बताते हुए उम्मीद जताई है कि भाजपा के मायाजाल और मायावी प्रचार प्रसार में ब्रेक लगेगा और इस बार 35 साल का इतिहास दोहराया जाएगा। कांग्रेस का झंडा 2018 में बुलंद होगा। किसान परेशान है, मजदूर परेशान है, वृद्ध माताएं, वृद्ध बुजुर्ग जो है वो सब परेशान है, नौजवान पीढ़ी बेरोजगार घूम रही है। देखिए, रोजगार नहीं दिया उन्होंने किसी को कभी। रोजगार के लिए आप देख लें कौन सा साधन उपलब्ध कराया है। एमपी का भी हाल है, मैं ये कह रहा हूँ। मध्य प्रदेश सरकार ने जो पिछले 15 सालों से सरकार है, उन्होंने युवाओं के लिए कोई काम नहीं किया है, और इसी के लिए पूरा प्रदेश का युवा जवाब देने वाला है। कांग्रेस पार्टी की सरकार आपके बने नया विजन लेके आया है। क्षेत्र के 5 कांग्रेसी नेताओं के नाम बताएं जो आपके साथ हैं। क्षेत्र के 5 कांग्रेसी नेताओं के नाम बताएं जो आपके साथ हैं। आदरणीय महेंद्र यादव जी हमारे साथ खड़े हैं, आदरणीय सुशील हजारी जी हमारे साथ आए हैं, साइकिल से चल के आए हैं, आदरणीय जीवन पटेल साहब हमारे साथ खड़े हैं, आदरणीय गुड्डा पटेरिया जी हमारे साथ हैं, आदरणीय सौरभ हजारी जी हैं, बहन ज्योति है, पलटू राम जी हैं। जाति अंक गणित का अगर यहाँ जादू चला, अगर कांग्रेस उसी उम्मीद पर चल रही है और समय रहते सब कुछ ठीक रहा, तो फिर कांग्रेस इस विधानसभा में देश और प्रदेश की जानी मानी सीट पर सेंध लगा सकती है। इकराम खान के साथ शंकर विश्वकर्मा, सागर एक्सप्रेस न्यूज, सागर। सागर एक्सप्रेस न्यूज के वीडियो अगर आप YouTube पे देख रहे हैं तो उसे सब्सक्राइब कीजिए, और अगर यही वीडियो आप Facebook पे देख रहे हैं तो उन्हें लाइक कीजिए, और अगर आप कमेंट लिखना चाहते तो कमेंट भी लिखिए, और आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो, यही हम ईश्वर से प्रार्थना करते हैं। नमस्कार।